अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मौत से पहले की मौत की निशानियां के बारे में तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे। ये बात तो आम है, बीमार हो जाना, बुखार आना या फिर किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना जिसका इलाज ना होना, ये सारी चीज़ें तो दुनिया जानती है कि मौत से पहले ऐसी ऐसी निशानियाँ आती हैं। लेकिन आज आप लोग जानेंगे वो कौन से ख्वाब हैं जो इंतकाल से पहले सभी लोगों को आते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब उन्हीं लोगों को आते हों जिनका इंतकाल बहुत टाइम है या फिर नॉर्मल इंसान को आते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो ख्वाब हैं वो हर उस इंसान को आएंगे जिसका इंतकाल होने वाला होगा, यानी कि मौत से पहले हर इंसान को ये ख्वाब ज़रूर आता ही आता है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। अब आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि वो कौन सा ख्वाब है जो इंतकाल से पहले सबको आता है, बेशक मौत का वक्त और जगह मुकर्रर है और ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं, पर मौत से पहले हर इंसान को ये ख्वाब ज़रूर आते ही आते हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ। सबसे पहला आप लोग जान लीजिए, ख्वाब में सांप की पुश्त पर ख़ुद को सवार देखना, यानी कि जैसे ये सांप जा रहा है, सांप की ये पीठ हो गई, पुश्त हो गई, पुश्त को मतलब पीठ कहते हैं, उसके ऊपर आप लोग बैठे हैं ख्वाब के अंदर, कोई ख्वाब तो ख्वाब है, तो ख्वाब के अंदर आप सांप की पुश्त पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा ख्वाब देखते हैं ख़ुद को सवारी करते हुए, तो मौत की ये एक निशानी है। ये उसी इंसान को ख्वाब आएगा सांप की पुश्त पर बैठकर सवारी करना जिसका इंतकाल होने वाला होगा। इसकी दलील सच्चा ख्वाबनामा पेज नंबर 19 पर है, आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। ये ऐसी सच्ची निशानी है जो कि आप लोग झुठला नहीं सकते, ये ख्वाब हर इंसान को आता ही आता है। अब यहाँ पर जब सांप की बात चल रही है, मतलब सांप वगैरह के हम लोग ख्वाब की ताबीर की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दो ख्वाब की ताबीर और बता देता हूँ। ये ख्वाब की ताबीर भी आप लोगों के बहुत काम आएगी, सांप से रिलेटेड है, जिसकी ताबीर आप लोग जानना भी चाहते होंगे। सांप का पीछा करना, अक्सर हम लोग ख्वाब में ऐसा मतलब ख्वाब देखते हैं जिसमें हम लोग सांप का पीछा करते हैं, इसकी ताबीर आप लोग जानते हैं? इसकी ताबीर ये है कि आपके पीछे दुश्मन लगा हुआ है, कोई जलने वाला इंसान आपके साथ कुछ बुरा करने वाला है। अगर आप लोग सांप को अपना पीछा करते हुए देख रहे हैं, आप भागते हुए जा रहे हैं, पीछे आप लोग मुड़ के देखते हैं तो आपका सांप पीछा कर रहा है, इस तरीके का ख्वाब आता है, तो आप लोग समझ जाइए कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, सावधान हो जाइए आप लोग। अगला ख्वाब आप लोग समझ लीजिए, सांप को मारना ख्वाब में, अक्सर हम लोग ख्वाब में सांप को मार देते हैं, तो इसकी निशानी आप लोग जानते हैं, मतलब इसकी ताबीर क्या हुई? इसकी ताबीर ये है किसी मुसीबत में निजात आप लोगों को मिलने वाली है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात है तो उससे आप लोगों को निजात मिलने वाली है। ये अच्छा ख्वाब है सांप को अगर आप लोग ख्वाब में मारते हैं। तो अगला ख्वाब आता है सांप को घर में देखना, घर में मतलब कहीं पर भी आप लोग देख सकते हैं, कोने में हो या फिर दालान में हो, आंगन में हो, कहीं पर भी आप लोग अगर सांप को अपने घर के अंदर देखते हैं तो इसकी ताबीर ये है अपने रिश्तेदार या फिर घर वालों में किसी से दुश्मनी होने वाली है, दुश्मनी होने का ये एक निशानी है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। इसकी दलील सारे ख्वाबों की सच्चा ख्वाबनामा किताब है, वहाँ से हम लोगों ने निकाली, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आगे शेयर ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी हैं, ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं, आप लोग इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली इस पत्थर की ज़्यारत कर लेंगे, यानी खाली इस पत्थर को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर इस वीडियो को देखें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल है।